आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग 3D प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या क्या यूज़ करेंगे, थर्माकोल, टिश्यू पेपर, फेविकॉल और वाइट सीमेंट या POP का यूज़ कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर देने के लिए। तो जो भी मॉडल बनाना है उसे कट कर लेंगे उस शेप में, जो शेप का वो मॉडल है। उसके बाद उसमें हम टिश्यू पेपर ऐड करेंगे फेविकॉल की हेल्प से, फिर उसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। उस टिश्यू पेपर को स्मूथली ऐड करना है ताकि वो थोड़ा सा स्मूथ दिखे, क्योंकि थर्माकोल थोड़ा सा रफ रहता है। तो उसको हम टिश्यू पेपर से इसीलिए कवर कर रहे हैं ताकि हम उसमें 3D स्ट्रक्चर और जो ऐड करेंगे वाइट सीमेंट या POP की हेल्प से, वो इजीली स्टिक हो जाएं और वो स्ट्रक्चर स्मूथ दिखे। उसके बाद क्या करेंगे, उसे ड्राई होने देंगे कम्प्लीटली। जब वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तब हम उसमें 3D जो हाईलाइट करेंगे अपने स्ट्रक्चर्स को 3D के फॉर्म में, वो स्टार्ट करेंगे डिटेलिंग उसकी, 3D डिटेलिंग। ठीक है, यहाँ पे 3D डिटेलिंग इस तरीके से मैंने ऐड की हैं। यहाँ पे मैंने वाइट सीमेंट का यूज़ किया है, वॉल पुट्टी या POP किसी भी चीज़ से आप इस डिटेलिंग को ऐड कर सकते हैं। और आप बहुत अच्छे से अगर थर्माकोल की कटिंग कर सकते हैं तो इतना उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करने में। इस तरीके से कम्प्लीटली आराम से, टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये, तो इसे धीरे धीरे पूरी 3D डिटेलिंग हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे 1 से 2 दिन। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे एक एक चीज़ को बहुत ही आराम से बनाया है और उसे डिटेलिंग ऐड की है फेविकॉल की हेल्प से, उसे स्टिक करती गई हूँ। यहाँ पर ये ओवेरियन लिगामेंट में बना रही हूँ। ये जब कंप्लीट हो जाए तब इसे प्रॉपरली सुखा दें, सूखने का टाइम दें इसे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, और ज़्यादा 3D डिटेलिंग ऐड करेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे ऐड की है। ये यूट्रस और ओवरी का स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी यूज़ की है। इस तरीके से पूरा डिटेलिंग कम्प्लीट कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप बनाना चाहें कोई भी तो आप समझ सकें, आप कितना भी पतला मोटा उसे उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंग उसे कर सकते हैं। और वॉल पुट्टी का यूज़ मैंने इसलिए किया क्योंकि इससे इजी हो जाता है 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करना, और थर्माकोल में कटिंग थोड़ी सी टाइम लेती है और उतनी स्मूथली नहीं हो पाती जितनी स्मूथली वॉल पुट्टी के थ्रू हम लोग कर सकते हैं, और जितना अच्छा वो उभर के आएगा, जितना अच्छा वो दिखाई देगा मॉडल। इस तरीके से मैंने पूरी डिटेलिंग ऐड कर ली है, कंप्लीट कर ली है इसकी डिटेलिंग। अब इसे मैं कम्प्लीटली ड्राई होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें कलरिंग स्टार्ट करूंगी। तो ये हो गया कंप्लीट डिटेलिंग। अब यहाँ पर मैंने इसमें कलर कर लिया है। इस तरीके से मेरा मॉडल बनके तैयार हो गया है। आप भी इस तरीके से कोई भी मॉडल बना सकते हैं इन चीज़ों की हेल्प से, और मैंने पूरी प्रोसेस भी दिखाई है कि कैसे बनाना है। तो कोई भी आप मॉडल 3D में बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये मॉडल कैसा लगा। ये फाइनल लुक है मेरे मॉडल का। Thanks for watching. Take care and bye-bye.